एवरीवन, कैसे हो आप सभी। स्वागत है आपका मेरा एक और न्यू ब्लॉग में। तो आज का ब्लॉग मैं अभी स्टार्ट कर रही हूँ। मैं लेटी पड़ी थी तो मैंने सोचा कि ब्लॉग ही स्टार्ट कर लेती हूँ। अपनी बातें हैं जो अपनी पब्लिक के साथ शेयर कर लेती हूँ। तो आज के ब्लॉग में क्या कुछ रहने वाला है, अभी बज चुके हैं 2 के आसपास टाइम हो गया है। भाई भी अभी स्कूल से आया। सुबह मैं उठी थी, नहाई धोई, सुबह मैं घर से 8:30 बजे भाई के साथ निकल ली थी। उसको स्कूल जाना था, उसने मेरे को कैंट पे छोड़ दिया था। ए म्यूज़िक बंद कर ले। उसने मेरे को कैंट पे छोड़ दिया था, फिर मैं गई कॉलेज में। आज मेरी कंप्यूटर की प्रैक्टिकल थी तो वहाँ से मैं आ चुकी थी। 11 बजे तक मैं घर पे आ गई थी क्योंकि गर्मी इतनी थी। मैं प्रैक्टिकल दे के अपने फटाफट से घर आ गई। मैंने किया कि मेरी प्रैक्टिकल हो गई है, मैं घर आ रही हूँ। क्योंकि पहले इनका प्लान था कि तू अगर लेट हो जाएगी ना तो वहीं पर मार्केट में मिल लियो। तो फिर मैंने बोला, मम्मी बोल ठीक है तू आ जा, अभी तो घर पर काम ही कर रहे हैं। क्योंकि 11 ही बजे थे, आपको पता है कि घर का काम ही चलता है। भाई भी आया हुआ था तो फिर मैं आ चुकी थी 11 बजे तक। फिर हम बैठे रहे थोड़ी देर। मैंने प्रमोशन के लिए रील्स वगैरह आई हुई थी वो बनाई, और उसके बाद मैंने क्या किया, हाँ उसके बाद मम्मी के साथ बैठी रही। फिर मैंने अभी मम्मी ने खाना बनाया, भाई आया है, बंटी ने कुछ रील शूट की थी, गंजे वाली भी हमने आज एक रील शूट की है। रैंडमली इसने एकदम से मैं खाना खा रही तो स्टार्ट कर दिया, मेरे को पता नहीं लगा। हाँ और क्या बताना था, हाँ और आज के ब्लॉग में वो पूरा सूट मैं आपको पहने दिखूंगी, टॉप एंड बॉटम दोनों चीज़। प्लाजो स्ट्रेट पैंट सिलवाई है मैंने उस सूट की, मेरे नाम से जो सूट है। और हमें जाना है आज मार्केट में, तो देखते हैं कि मेरे को कुछ दिलाया जाएगा या नहीं। मैं बहुत चीज़ें लेके आती हूँ, आपको मैं ब्लॉग में दिखाती भी हूँ। अभी 2 सूट लेके आई थी तो इसीलिए देखते हैं कि क्या कुछ रहने वाला है। कपड़े हो रहे हैं मेरे पास तो मन नहीं करता, वही पहनने में नहीं आते हैं क्योंकि वैसे भी घर पर रहना होता है जब, तो घर के ही कपड़े पहनते हैं हम। मम्मी फ़ोन आवे तो मम्मी लगे हुए हैं किचन में, खाना वगैरह बनाया था, सबने खाना खा लिया। बंटी का आज फास्ट है तो मार्केट जाएंगे, और मार्केट से क्या कुछ लेंगे वो भी मैं आपके साथ ब्लॉग में शेयर करूँगी। कोई कुछ दिलाएगा या नहीं मेरे को नहीं। तो जब मैं कॉलेज गई थी तो मैं ये वाली ड्रेस पहन के गई थी। आने के बाद मैंने आपको बताया कि प्रमोशन के लिए रील्स बनाई थी, तो उस टाइम मैंने फ़ोटो भी क्लिक कर ली, साथ में फिर मैंने ब्लॉग में ऐड कर दी। बताना कि मैं कैसी लग रही हूँ, प्लीज़ कमेंट करना। गाइज, मैंने इस लड़की के साथ कर दिया एक प्रैंक। मैं जब से बोल रही हूँ कि बता भाई, हम खाट पे बैठे थे, मेरे माइंड में कुछ आया तो मैंने इसके साथ कुछ प्रैंक किया है। अभी तक इसको पता नहीं लगा है और ये बेताब हो रही है जानने के लिए। मैंने इसको बोल दिया कि तुझको जब पता लगेगा ना धोखा खाएगी। बट इसको अभी तक पता नहीं आ रही है, बार बार मैं इसे पूछे जा रही है। तो मैंने सोचा क्यों ना इसका ब्लॉग बना दिया जाए। अब देखते हैं इसको कब पता लगेगा और कितना बड़ा शौक लगेगा इसको। इतना तो मेरे को पता है ये पूरी हिल जाएगी। वो तन पता लग जाएगा, इंट दे रखी है तेरे सामने जब चीज है, फिर भी तू कौन समझती। फोन में करेगी नहीं तो फोन में क्या करूंगी। अरे बात की गई थी, स्टोरी लगाई होगी, स्टोरी लगाना की प्रैंक है, है? प्रैंक है। गाइस इसके सामने है जस्ट, और फिर भी इसको पता नहीं लग रहा, पता नहीं क्यों। पागल होगी। ना ना भाई, मम्मी कसम प्रैंक जरूर है, वो मैं आपको बताऊंगी। अरे बिल्कुल इसकी आंखों के सामने है वो, फिर भी इसको पता नहीं लग रहा। चलो आपको तो मैं थोड़ी देर में बताती हूँ। समझ गई तो कुकर समझी। बताइए ना ना ना, मैं 500 रुपए दे दे। गाइस इसके फोन के पीछे ना 500 रुपए दे। तेरे समझ में कुकर आई है वो? पता नहीं अचानक से समझ में आई। अच्छा, अरे मैं बार बार देख वीडियो ऑन कर रही, मैंने फोन के पास क्या लगे तो नहीं देखो नहीं। चलो लड़की ने समझ तो लिया भाई, इसके फोन के पीछे 500 रुपए थे और मैंने चोरी छुपे निकाल लिए और अपने फोन के पीछे डाल लिए। और जब से मैं इसकी तरफ कैमरा करके तो यहाँ पे फोन के पीछे मैंने डाल रखे, इसको पता नहीं लगा। और अब पता नहीं एकदम से पकड़ी गई चोरी। दे दे, तेरा कोई भरोसा नहीं। देखो देखो क्या का भरोसा बनी, पैसे ले लेगी और देगी नहीं।
और मैंने एक बार आपको पहन के भी दिखा दिया है पूरा, तो आप बताना कि मेरा सूट कैसा लग रहा है और पूरा सूट सिलने के बाद आपको कैसा लगा। वैसे मैं रेडी नहीं हुई हूँ, तो मैंने एक बार ऐसे ही सूट पहना था और कुछ एक दो रील शूट कर लूंगी मैं ऐसे ही सूट को दिखाने के लिए, क्योंकि मेनली मेरा फोकस जो रहेगा सूट का रहेगा, ना कि भाई मेरे रिएक्शन वगैरह नहीं रहेंगे। भाई मैंने अभी पहना है ये, भाई मैं देख लेती हूँ फिटिंग वगैरह कैसी आई है और आपको सूट का डिजाइन कैसा लगा बताना मुझे कमेंट करके कैसा लग रहा है। तो गाइज हम है ना प्रमोशन वीडियो बना रहे थे और रील शूट कर रहे थे बाहर, और इतनी देर में ना सूसी निकल गई, सोफी भी निकल गई, और देखो कहाँ है ये, पिटाई होने वाली है। बस डंडा लेके आओ जल्दी से, डंडा लेके आओ इसके लिए, डंडा हराम जादी। देख लो इतनी नोटी नोटी बेटी है ये मेरी, और ये काली और अंदर आ गई है, वेट कर रही थी कब दरवाजा खोल अंदर आएंगे। नहीं खेलना नहीं है, आपके चिट्टर चिट जाएंगे। हाँ कालू रंग। तो गाइज अब मैं करूँगी इसके बाल स्ट्रेट, और रक्षाबंधन पे भी करेंगे, तो आज इसने सिर धोया है तो मतलब इस मैंने ये सारी चीज़ें ला रखी है, बट मेरे को इसकी ज़रूरत नहीं है, इसके काम आ जाता है ये, मैं पहले लेके आई थी, अब तो मैंने करवा रखी है 1.5 साल के लिए, तो अभी हम करेंगे इसके बाल स्ट्रेट फिर दिखाएंगे। अब देखो पहले इसके बाल दिखाइए पीछे से, अभी देखो इसके बाल, वैसे इसके बिल्कुल सिल्की बाल हैं बट थोड़े से ड्राई ड्राई से हैं क्योंकि परमानेंट वो सॉरी करवा नहीं रखी, स्मूथनिंग वगैरह तो मिलते हैं करने के बाद। फाइनली गाइस मैंने इसका सूट सिला, ये मेरे बाल स्ट्रेट कर दिए। हाँ बदले में काम करते हैं हमेशा। अब देखते इसके बाल होंगे कैसे होंगे, क्योंकि मेरे को इतना आता नहीं, यही करती थी पहले जब मेरे को जरूरत पड़ती है ना। तो गाइज अभी मैंने इसके बाल स्ट्रेट किए हैं, मतलब एक बार तो नॉर्मली किए हैं, फिर एक बार दोबारा से ऊपर से करूंगी मैं, क्योंकि ज्यादा वो नीचे से था ना झाड़ सा था, तो जब तक हाँ झाड़ ही था बहन, झाड़ी बोलते हैं इसको, तो अभी थोड़ा सा फर्क दिखा है, बाकी अभी करते हैं फिर दिखाते हैं। गाइज ये देखो मैंने इसके बाल कट किए हैं जो ड्राई थे, अभी फाइनल लुक दिखाती हूँ मैं आपको, दिखा बहन तेरा फाइनल लुक। अभी इनका खाना पीना चल रहा है, हमारे लिए चाय बन रही है, इसने जूस पिया है और दिखा। तो गाइस देखो मैंने इसके कर दिए हैं, और क्योंकि ज़्यादा नहीं होते मेरे जैसे नहीं होंगे, क्योंकि वो स्ट्रेटनर भी दूसरे होते हैं, और जो ज़्यादा बाल उलझे हुए होते हैं ना मतलब ड्राई से, तो उसमें टाइम लगता है। बाकी देखो अब थोड़ा सा किए ना उसके बाद सेट हो जाएंगे कंघी वगैरह करने से। हाँ गाइस ये भी जा रहा है हमारे साथ, सूसी और सोफी घर पर रहेंगी, और ये भी मैडम तैयार हो रही है, और मम्मी भी रेडी हो गई है, तो फटाफट से निकल रहे हैं। मैंने कुर्ता पजामा वियर किया जो मैंने मेरे बर्थडे पे पहना था, मैंने नॉर्मल चप्पल पहनी है क्योंकि पिछली बार मेरे छाले हो गए थे, कानू भी यहीं पे रहेगा, तो मिलते हैं आगे जाने के बाद। तो गाइस निकल लिए हम, आगे से जाएंगे गाड़ी में, मैम को देखो गाइस हमें जाना उस पार, और यहाँ पे खड़ी है रेल, हमें वो तो निकल गई, मैं बची हूँ। हाय हाय गाइज अभी हम आए हैं स्टेशन पे, और यहाँ पे ये देखो ट्रेन खड़ी है, इसके नीचे से आना पड़ा, मेरे को बहुत डर लग रहा था तो इसने मेरा हाथ पकड़ा, फिर मैं निकल के आई। यार मेरे को डर लगता है ट्रेन के नीचे से निकलना, मैं कभी नहीं निकलती हूँ, मजबूरी हो तो भी मुश्किल से, मेरे को बहुत डर लगता है। तो हम मिलते हैं गाड़ी में बैठने के बाद, उसके बाद मिलेंगे मार्केट। तो गाइज देखो हमारी गाड़ी कहाँ पे रोकी है, बिल्कुल पार्किंग की जगह नहीं है, इतना कचरा कचरा कचरा, वहाँ पे रोकनी पड़ी है, वहाँ पे तो पार्किंग खाली नहीं। Hey guys, तो देखो फाइनली हम बाजार की तरफ मुड़ चुके हैं, यहाँ पे तो गुरुद्वारा है येरा। सही खड़ी हो, खुली है ना यार, थोड़ी सी खुली, वो तो वेस्ट पता लग गई पीछे से देख। पीछे से देख।
तो गाइस हम यहाँ से ले रहे हैं अभी टॉप, ये ले रही है। हाँ ये छोटे छोटे से लेके जा रही, अगर मैं ना मेरे को पसंद आए तो वो, एंड ये तो मैंने लेके जा रखा है रेड वाला। तो यहाँ पे काफी अच्छे अच्छे टॉप्स हैं। तो मैं और कलर नहीं है क्या? ये वाला ब्लैक और ये टू कॉम्बिनेशन का दिखाना। चलो ये मेरे तो काम ही आएगा, नो प्रॉब्लम। क्या रेंज इसकी? हाँ ये सही है, वाइट में है ना, दो शेड है भी नहीं मेरे पास। ये तो है मेरे पास, दिल्ली तले का ही थी मैं, सेम है नुक्कड़। तो बता दो ना, मतलब मम्मी गाइस अभी हम लेने आए हैं टेंची, तो अभी ले रहे हैं इसकी ड्रेस ले ली हमने, सूट वगैरह के इनर ले लिए, और यहाँ से हम ट्रॉली बैग ले रहे हैं इसके लिए। गाइज अभी हम आए हैं घर जाने से पहले मंदिर में, हमारे घर के पास ही है ये, मतलब फाटक के पास। तो यहाँ पे मेरे लगवाएंगे झाड़ा, मेरे मतलब ऐसे ही थोड़ी बहुत तबीयत ख़राब हो जाती है तो यहाँ मैं झाड़ा लगवाने आ जाती हूँ। ये मस्तनाथ बाबा जी का मंदिर है, यहाँ पे इसकी बहुत ही मान्यता है, यहाँ पे ये रहते हैं बाबा जी। और ये धूना लगा हुआ है यहाँ पे, देखो मैं बैठ गई हूँ, वंटी ने ब्लॉग शूट किया है यहाँ पे। यहाँ पे मेरे लगाएंगे झाड़ा, मैंने बाल बांध लिए थे यहाँ पे, जब मेरे कुछ भी हो जाता है ना थोड़ा बहुत पेन वगैरह होने लगता है बॉडी में या फिर सिर में पैर में जहाँ भी, तो मम्मी को ऐसे ही हो जाता है, परेशान तो हो ही जाते हैं, तो फिर बोलते कि झाड़ा लगवा ले तेरे आराम हो जाएगा, कहीं पैर वगैरह ना आ गया हो। तो मम्मी पापा को तो टेंशन रहती है, तो इनका फ़र्ज होता है ये, तो इसीलिए हमने सोचा कि लगवा लेते हैं आराम। तो गाइस यहाँ पे झाड़ा लगवा रहे हैं और झाड़ा लगवाने के बाद जाएंगे घर पे, तो मैं यहीं पे ब्लॉग का एंड करूँगी। घर पे जाके खाना वगैरह बनाएंगे, और मेरे को फ़ोन पे भी बात करनी है कोई अर्जेंट, और फिर मेरे थोड़ा सा आराम हो जाएगा, सिर वगैरह दुखने लग जाता है मेरा ज़्यादा, तो मैं झाड़ा लगवा लेती हूँ, मेरे आराम हो जाता है। फिर घर पे जाने के बाद खाना वगैरह बनाएंगे, खाएंगे, और जो काम होगा वो करेंगे, और शॉपिंग जो जो लेके आए हैं वो शायद ही मैं इस ब्लॉग में दिखा पाऊँगी, क्योंकि काफ़ी लेट हो गए हैं हम, और जाके काम करेंगे तो और भी लेट हो जाएंगे, ब्लॉग एडिट भी करना है, तो इसीलिए मैं ब्लॉग का करूँगी यहीं पे एंड। अगर आपको ब्लॉग अच्छा लगे तो लाइक कमेंट शेयर ज़रूर कर देना, ब्लॉग को प्लीज़ प्यार देना।